हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। सो बाय द वे, दिस इज रौनक। एंड चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले एंड लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीओसी के बारे में। तो ये जीओसी का एक सब टॉपिक है। जीओसी क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें आपको सब बेसिकली जो जितना भी ओवरव्यू है वो मैं तुमको बता दूंगा। उसके बाद हम लोग एक एक चीज स्लोली स्लोली कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया हम लोग का, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया हम लोग का, और हम लोग का हाइपरकॉन्जुगेशन हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड आयन, एसिडिटी, बेसिसिटी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो टेंड टू गेट मोर टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये कंपाउंड है आप लोग के सामने, तो इस कंपाउंड में तुम देख सकते हो कि जो CH2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो उसकी तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से जिस पे जाता है उस पे नेगेटिव चार्ज जाता है। तो ये डेल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव आया और इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव यानी अब ये हो गया है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक तरीके से। तो इसका जाएगा एक, इससे थोड़ा सा शेयर हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन, और ये डबल पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें जो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड में, उसे कहते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि दुनिया में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो एक्चुअली में पूरा शेयरिंग से नहीं होता है, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता ही रहता है, कोई ना कोई इफेक्ट होता ही रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होना होता ही रहता है। तो इसमें हम लोग और बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट सबसे पहले। तो उसके बाद ऑपरेट्स टू सिग्मा बॉन्ड, जो तुमने याद रखना है। उसके बाद इसमें तुमने जो याद रखना है कि आई इफेक्ट जो है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि इन दोनों के आटम के बीच की डिस्टेंस इस वाले से दूर है, तो इसमें ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, जबकि CH3 और Cl वाले में कम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लेना तुम लोग। तो एटम्स, अब इसमें देखो दो टाइप होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, कौन से होते हैं? एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई। माइनस आई कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाला, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला इफेक्ट को कहते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है? एटम्स विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, ठीक है, तो एटम्स विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई। ठीक है, ट्रिक क्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो खींचने वाले ग्रुप होते हैं ना, वो जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, ठीक है, और हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन दे सके, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसके जो ग्रुप्स होते हैं जनरली वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जैसे कि हो गया Nr3, Sr2, NH3, NO2, F क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। O क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। फोन, फोन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, याद रख लेना। माइनस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन को खींच सके। कौन खींच सकते हैं? जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होते हैं और या फिर जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो खींच सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गए तो सोने पे सुहागा, यानी वो सबसे ज्यादा खींच सकेंगे, जैसे कि Nr3 पॉजिटिव, ठीक है, Sr2 पॉजिटिव। ये पूरा ऑर्डर याद रख लेना, ठीक है, पूरा ऑर्डर। और वही मैंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप हैं ऊपर, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं और विद पॉजिटिव चार्ज कुछ कुछ हैं। ठीक है, हाँ, तो और आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन ढकेलने वाले ग्रुप जो होते हैं उनको कहते हैं प्लस आई ग्रुप। ठीक है, ये तुमने याद रखना है कि जिनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम हो या फिर इलेक्ट्रॉन को धकेल सके, यानी कि तुमने जो याद रखना है ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले ग्रुप को कहते हैं हम लोग प्लस आई ग्रुप। जैसे कि कौन सा होता है? ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज CO, माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज Cr3, CHR2, CH4CH2R। यानी जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा, और अगर कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जिस पे नेगेटिव चार्ज हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, वो सबसे ज्यादा प्लस आई शो करता है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल एज इट इज याद कर लो। ठीक है, इन तीनों को याद करने का तरीका क्या है कि R एक तरीके का कार्बन ग्रुप है, तो इसमें चार C और R के तीन, तो ये सबसे ज्यादा कार्बन वाला होगा, तो इसका प्लस आई ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू CHR2 से। तो ऐसे करके याद कर लेना। इसके आगे अब मैं बताता हूँ तुम लोग को ट्रिक,
ट्रिक दैट यू गाइज वर वेटिंग फॉर, सो आई विल बी टेलिंग द ट्रिक. तो ट्रिक क्या है कि बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन. ठीक है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जिसके पास माइनस आई ज्यादा होगा उसकी ज्यादा होगी, यानी कि माइनस आई की बेसिक स्ट्रेंथ फिर कम हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1 बाय बेसिक स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियस बात है, और इधर लिख सकते हैं 1 बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, ऑब्वियस बात है क्योंकि उल्टा रहेगा ना. तो एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूँ तुम लोग को बेसिक स्ट्रेंथ का. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है कि इन तीनों में बताओ, बताइए बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी. तो मैंने आप लोग को एक ऑर्डर बता दिया, ये पूरा याद, ये पूरा जो जितना भी ऊपर लिखा है ये याद करना है. ठीक है, तो देख सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई, है ना. बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई. तो बेसिकली जिसमें ज्यादा प्लस आई उसमें ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ. ठीक है, अब इन तीनों में प्लस आई किसमें ज्यादा होगा, इन तीनों में प्लस आई किसमें ज्यादा होगा. तो मैंने बताया प्लस आई जिनमें ज्यादा कार्बन होता है उसमें ज्यादा प्लस आई होता है, सबसे ज्यादा इसमें प्लस आई होगा. ठीक है, नो डाउट सबसे ज्यादा इसमें प्लस आई होगा. तो ये हो गया ऑर्डर. ठीक है, तो यानी कि दिस सबसे ज्यादा बेसिक, फिर ये. मगर ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे. अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट में क्या ऑर्डर रहता है. तो तुम्हें याद रख लेना एक एक्सेप्शन है कि पोलर सॉल्वेंट में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन विद दिस थिंग 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये तुम लोग को याद रखना है. ठीक है, तुम लोग ने रट लेना है. ठीक है, उसके बाद हम लोग और बात करते हैं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है. अब इन दोनों में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मैंने तुम लोग को ऑर्डर बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई अभी लास्ट वाली स्लाइड में. ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों में देखो तो बेसिकली इसमें प्लस आई लग रहा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, इसमें माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा माइनस है उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. तो ये हम लोग का आंसर हो गया. इसमें बेसिकली क्या होगा, मैंने बताया कि माइनस आई किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा. वो जो ऑर्डर एक नहीं लिखा था माइनस आई का, तो उसमें फ्लोरीन ग्रेटर देन सीएल ग्रेटर देन बीआर ग्रेटर देन आई. ठीक है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है तो माइनस आई ज्यादा होगा, तो इसका ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का ये हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, समझ रहे हो ना. उसके बाद माइनस आई का जो ऑर्डर है वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो एफ ग्रेटर देन सीएल ग्रेटर देन बीआर ग्रेटर देन आई, इसकी वजह से ये बेसिकली ऑर्डर हो गया. ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म हुआ. तो इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट ऑन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. बट उसके बाद जो आएगा वीडियो उसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट पूरा जीओसी. ठीक है, आई जस्ट मेड अ होल जीओसी इन वन लेक्चर वाला वीडियो इसके बाद के बाद वाले में. ठीक है, तो उस वीडियो में तुम लोग को बहुत फायदा हो जाएगा. एंड इसके जो बाद वाला वीडियो आने वाला है प्लस आर और प्लस एम वाला, उसको भी तुम लोग देखना बहुत गौर से. ठीक है, तो टिल देन शब्बा खैर, बाय बाय, खुदा.